Good evening, friends. Good evening. Yeah, wish you a warm welcome in one more YouTube live, or you can say Facebook live. And today, on a 7th February 2019, we are with Krishnanji and Prakash Joil. I am very happy to share that Prakash Joil works with the Krishnanji. Okay, and he has also enrolled in our 83rd batch in March 2019 last year and successfully completed 4 exam. So let's interact with him and understand how he has achieved the goal of first 4 exam, as well as what is his plan for the next after CFP certification. So Prakash, main kya chahunga ki aap एक थोड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कैसे आप मोटिवेट हुए सीएफपी सर्टिफिकेशन के लिए, और क्या चेंजेस आप में आए इन लास्ट 9 मंथ में. हेलो फ्रेंड, मैं सर प्रकाश. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया था, और तभी एक डिसीजन आया था फैमिली में कि क्या करना है आगे, क्योंकि पेरेंट्स है वो सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ तो और पढ़ ले तू. तो तभी मुझे पता चला कि CWA का, तो एक्चुअली CWA तो 12th के बाद भी कर सकते, तो वो सब प्रोसेस बाद में पता चला. तो CWA के लिए मैंने एनरोल किया, लेकिन वो स्टडी से कुछ मेरे को उतना ठीक से कर नहीं पाया था, तो एक ही ग्रुप दे के बाद में मैं उससे डाइवर्ट हो गया था. तो मैं सोच रहा था कि देख रहा था आजू बाजू, तो मेरे पापा जी सर्विस कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं कुछ बिजनेस रिलेटेड करूँ. तो अराउंड 12-13 के बाद ही ये सब चालू था, लेकिन ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन शेयर मार्केट ये सब चीज थोड़ा थोड़ा मैं देखने लगा था. तो आफ्टर बीकॉम एंड CWA में सोच रहा कि कुछ तो बिजनेस में ही करना है. तो क्या करना है क्या करना है, इधर उधर देखा. तो मैं ज्यादा करके शेयर नहीं करता, लेकिन अच्छा है कि शायद कोई करियर के बारे में सोच रहा है करने का या चेंज करने का सोच रहा है, तो भी ये शायद उसके लिए मोटिवेटेड हो सकता है. तो मैंने स्टार्ट किया था जूस बिजनेस है, जैसे अपन कोकम शरबत, ये शरबत जो लोकल कोकम फूड बोलते हैं, उससे मैंने स्टार्ट किया मेरा जर्नी बिजनेस का. ये सोचा कि शायद कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया, ये 2008 का है, 7-8 का. तो वो तभी फेस्टिवल्स का सीजन भी रहता है, या आप देखेंगे तो कहाँ पे ना कहाँ फेस्टिवल होते रहते हैं, वहां पे मैं शॉप लेता था रेंटल पे 3 दिन का 4 दिन का, और वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट किया. तो तभी का थॉट प्रोसेस था कि शायद मैं उसको स्केल अप करूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लूंगा बड़ा, फिर मैं शायद वो सब चेंज था. लेकिन बाद में पता चला इसमें गधा मेहनत बहुत हो रहा है, मार्जिन भी कम आ रहा है. तो चेंज करते करते मैं बाद में पहुंचा मॉड्यूलर किचन में. तो थोड़ा मेरे चाचा का एक फैब्रिकेशन का था, थोड़ा उसमें टच था, तो मैं सोचा अभी मैं इसमें कुछ एक्सेल कर सकता. तो वहां से मैं मॉड्यूलर किचन में आया, फिर मॉड्यूलर किचन में से इंटीरियर में आया, क्योंकि इंटरनल डिपार्टमेंट था, तो सोचा कि ये अभी मैं कर सकता हूँ. और उसी टाइम कोई मैं गाइडेंस भी मिल रहा था कि हाँ ये करे ये करे. एक अराउंड 3-4 ईयर्स का जर्नी था कि ये मैं कर रहा था. अराउंड 2 पहले 2 साल मेरा जूस का बिजनेस का था, तो उसके बाद मैंने 4-5 ईयर्स में इंटीरियर का बिजनेस कर रहा था. तो पहला 1-2 साल तो लर्निंग में गया, बाद में 1-2 साल में फिर लूप होल सामने आने लगे कि मेरा क्वालिफिकेशन ही अलग है, मेरा एक्सपर्टीज कुछ नहीं है उसमें, और वो चीज का मुझे नॉलेज भी पूरा नहीं है. तो मैं सोचा कि अभी मुझे इसमें तो नॉलेज लेना है, या मुझे एक पॉज लेके सोचना है कि एक्चुअली मुझे क्या करना है करियर में, क्योंकि सामने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाले थे, शादी का है और बाकी सब चीजें थी, अर्निंग का है, घर पे कुछ देना है. तो वो इसमें प्रोसेस में फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि इंटीरियर का ऐसा था कि आप कुछ ना कुछ पैसे का आगे पीछे होते रहते हैं. तो कंटिन्यू में चल रहा था, तो तभी मैं बोला कि कुछ तो फाइनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ सोचना चाहिए. तभी मेरा इंटरेक्शन महेश सवन सर से और उनके ग्रुप से हुआ, तब मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग या कुछ ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट उनसे मुझे समझने लगा कि ये सब चीज पहले प्लान करना चाहिए था, 6 महीने का कॉर्पस को पहले मेंटेन करना चाहिए था, से समथिंग, या 1 साल का कुछ ऐसा जो अपन इमरजेंसी प्लानिंग जब मैंने यहाँ पे आके एग्जैक्टली सीखा. तो ये सब चीजें मुझे बाद में प्रैक्टिकली पता चला कि ऐसा सब चीज करता तो शायद उसमें मैं कर पाता था, लेकिन अच्छा हुआ. मैं बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि वो वर्कआउट नहीं हुआ और मैं यहाँ पे पहुंच गया. तो वो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि मैं जो लॉस में कर रहा था, या मेरे आजू बाजू में बहुत सारे जन थे कि वो शायद वही प्रोसेस में जा रहे थे, क्योंकि हर कोई कुछ तो करना चाहता था, किसी का इंटेंशन ये नहीं था कि लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाए, हर को सक्सेस चाहिए था.
लेकिन somehow प्रोसेस से वजह से या नॉलेज की वजह से वो किधर ना किधर अटक जा रहे थे। तो मेरे आजू बाजू में भी ऐसे ही इधर से लोन ले लो तो फिर पर्सनल लोन ले लो या इधर से लोन ले लो इधर से पैसा उठाओ। तो मैं सोचा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है। तो मैंने थोड़ा मेरा डिस्कशन जब मैंने सर से हो गया तो मुझे एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग लगा फर्स्टली, क्योंकि पहले तो मुझे मेरे पे इम्प्लीमेंट करना था और ये फील्ड भी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने थोड़ा ही उसके बारे में जाना और महेश सर ने उसी टाइम मुझे ये पूछा कि तू अगर ये चेंज कर रहा है फील्ड तो तू मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तू समझ के लिए कि ये क्या फील्ड है और तू आगे चल के सोच सकता है कि इसमें तुझे क्या करना है। तो फिर से अगेन एक बोल्ड डिसीजन था कि जो चालू है ठीक है उसमें थोड़ा बहुत ये था तो क्या करना है। फिर से मैंने पेरेंट्स से और घर से बात किया तो वो राजी हो गए। तो फॉर्चुनेटली कि हाँ तू एक कर तुझे एक सब करियर का है तो वहां से वो जब चालू हो गया प्रोसेस महेश सर ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया उनके साथ काम करने का समझ के लेने का। और 3-4 महीना काम करने के बाद मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि ये सब ये नहीं है, टिपिकल एडमिन वर्क नहीं है कि कुछ डेटा ले ले उसमें काम करे और दे दे। ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये है वर्क है क्योंकि क्लाइंट का मनी है, उसका हार्ड अर्न मनी है और उसका फ्यूचर कमिटमेंट मैं आज बैठ के यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं तो खाली कमिटमेंट दे रहा हूँ, मैं निकल जाऊंगा घर पे, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद 7 साल बाद उसका वो गोल आने वाला है तो वो टाइम में उसको वो सब चीज सामने रहना चाहिए। तो मैं सोचा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फील्ड है तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरा और बढ़ गया। तो तब हमारा डिस्कशन होता तो केयूर सर का नाम सामने आया कि सर मुझे इसमें ये तो मेरा फिक्स हो गया कि मुझे अभी यही फील्ड में मेरा करियर करना है अच्छे से और सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट है कि मुझे अभी इसमें अच्छा नॉलेज गेन करना है। प्रैक्टिस तो आपके यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो सर ने महेश सर ने रिकमेंड किया कि तू केयूर सर का केयूर के साथ मिल ले और देख लेते। फिर भी मैंने 1-2 महीना पहले क्या किया सर का यूट्यूब पे वीडियोज था तो उसमें मैंने वीडियोज देखा हाउ टू अचीव 100 करोड़ म्यूचुअल फंड एंड अदर वीडियोस थे उसमें मैंने देखा। बाद में किसी किसी वीडियो में सर ने एक जो पर्सन्स का वीडियो चलता था आज मैं एक्चुअली मैं वीडियो देखता था आज खुद मैं वीडियो दे रहा हूँ तो उसमें मैंने नंबर देखा तो उनको मैंने कांटेक्ट किया जैसे अद्वैत करके एक अद्वैत पावसर करके थे अपने पार्टिसिपेंट तो उनसे मैंने पूछा कि ये सब कैसा है क्लासरूम का। क्योंकि ये सब पूछने का और ये सब करने का क्यों रीजन था क्योंकि मैंने ये तो सुना था कि फीस थोड़ा हायर है क्योंकि मेरा कंसर्न ये था कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण मैं ये बोल्ड डिसीजन ले रहा हूँ तो और कितना सफर करना है पेरेंट्स को या बाकी सब ये इसमें तो ये सब चीज मैं देखा। बाद में मैंने डिसीजन लिया और मैं सर को भी बोला कि सर मैं केयूर सर को मिलता हूँ और फाइनल करता हूँ। सो केयूर सर को वो डेवन में एक फोन किया और केयूर सर ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया वो एक कंडीशंस और टाइमिंग्स का ये सब करके। तो केयूर सर से मैं जब मिला और एक हाफ एन आवर मैंने स्पेंड किया जैसे मैंने अभी अभी मेरा पास बताया वही मैंने सर के साथ भी शेयर किया कि अराउंड ये सब जर्नी में बीकॉम से लेके अभी तक मैंने 8 साल इसमें निकाल गए। तो सर ने बोला एक 3-4 चीजें के ऊपर हमारा डिस्कशन हो गया और मेरा कंफर्म हो गया कि सर हाँ ये जर्नी मुझे प्लान करना है अगला 1 साल जो भी है वो मैं आपके साथ स्पेंड करूंगा और यहाँ से अच्छे से सीख के फिर मैं एक डेवलप आपका ही नॉलेज लेके आपका ही सपोर्ट लेके मैं खुद को डेवलप करूंगा। तो वो बोलते हैं ना कि एक चीज आप प्लान करते हो तो शायद और कोई भी सपोर्ट आ जाता है। मैंने ये सोने पे सुहाग हो गया जैसे मैंने 83rd बैच मेरा स्टार्ट हो गया तो मेरे कलीग्स जैसे कृष्णन सर है, फुले सर है और राखी है वो ये सब पार्टिसिपेंट मुझे ऐसे मिले कि जिनके पास एक्सपीरियंस भी है किसके पास फ्रेशर भी है तो और मैं 20 का था मैं ऐसा ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था और कुछ नॉलेज भी नहीं था ऐसे। तो फॉर्चुनेटली कृष्णन सर के सपोर्ट से मुझे प्रैक्टिकल सीखने भी मिला तो एक 3-4-5-6-7-6 महीना का हमारा क्लासेस का टेन्योर था। क्लासेस में हमारा सब अच्छे से पढ़ाई हो गया और उसी टाइम में सर से पूछा कृष्णन एक्चुअली सर ने ही बोला कि तू कृष्णन सर से भी पूछ ले कि तेरे तू प्रैक्टिस और कैसा अच्छे से कर सकता है। तो मैंने कृष्णन सर को पूछा और फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया कि हाँ प्रकाश तू तेरा पढ़ाई अच्छे से कर क्योंकि ये टाइम ऑफ मैटर एक साल का है और उसके साथ साथ तू जब प्रैक्टिस में आना तो मेरे ऑफिस में आके तू समझ के ले लेगी ये क्या प्रोसेस है। तो वो मैंने प्रैक्टिस एक्चुअली जब स्टार्ट किया था सीएफपी जर्नी तब महेश सर के साथ मैंने प्रैक्टिस स्टॉप की थी और मैंने ऐसे सोचा था कि मैं खाली बैठूंगा 1 साल पढ़ाई करूंगा सीएफपी क्लियर करूंगा और बाद में फिर से प्रैक्टिस चालू करूंगा। लेकिन मेरा वो जर्नी 6 महीने पहले ही कृष्णन सर से स्टार्ट हो गया और कृष्णन सर से ऑफिस में से मैं बहुत सारी चीजें सीखने मिली छोटी छोटी चीजें कि कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है उनको क्या कमिटमेंट देना है क्या नहीं देना है
पेपर वर्क में क्या चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे रहने चाहिए, क्या चीजें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे हम लोग क्लासरूम में सीखते थे वो एवरी टाइम केयूर सर ने ये बताया था तुझे मालूम है, अभी ये अपन ने सीखा था तुझे मालूम है, ये सर के पॉइंट आउट करते हैं कृष्णन सर। ऐसा भी नहीं, हमारा 6 महीना तो ऑलरेडी पहला हो गया है क्लासरूम में, फिर भी अभी हमारा कभी कुछ सब्जेक्ट निकलता है तो वो पॉइंट आउट करते कृष्णन सर कि अरे तुझे ये पता है केयूर सर ने बताया था अपन इधर यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली एज अ ट्रेनर जब अपन ट्रेनिंग लेते हैं या किसी के पास अपन प्रैक्टिस करते हैं तो यही चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि ये पॉइंट आउट होना चाहिए, इससे अपना प्रैक्टिस अच्छा होता है। तो ये सब जर्नी में एक बीकॉम से लेके अभी तक का ये जर्नी में मैं गया तो वही पार्ट था कि केयूर सर के पास मैंने जब मिला और वीडियोज देखा तो फाइनल हो गया जर्नी का। फिर फीस का जो भी इशू था वो भी हमारा वो सॉर्ट आउट हो गया कि सर ने 2-3 ऑप्शन दिया, जैसा लोन गोल्ड लोन का था या और, तो वो भी मैंने उसमें ओवरकम करके मेरा जर्नी अब तक मैंने ये 4 एग्जाम का क्लियर कर लिया। गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन प्रकाश। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूँ कि आपने दो बिजनेस ट्राई किए, एक आपने बताया जूस का और दूसरा आपने बताया इंटीरियर का। आज की डेट में हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्पेशली यंग पर्सन, वो एजुकेटेड है, इंजीनियर है वो व्यक्ति, एग्जाम्पल उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक MBA किया है, बट देखिए उसके पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। मैं दीपा को कल ही बता रहा था, दीपा मुझे याद कराना कि अपने को एक ऐसा वीडियो बनाना है कि एक स्टूडेंट को क्यों फाइनेंस सीखना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति जो आज जॉब करता है प्रोफेशनल है तो फाइनेंस क्यों सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर वांट टू सेट अप अ बिजनेस, ओके, वेदर यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर और यू वांट व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब ऑल्सो, तो आफ्टर दैट ऑल्सो यू नीड टू सेव मनी फॉर योर फ्यूचर गोल। बट एंटरप्रेन्योरशिप में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यू आर नॉट अर्निंग द मनी फर्स्ट एंड यू इन्वेस्टेड सम कैपिटल मे बी बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स और वॉट यू गॉट अ लोन फ्रॉम द बैंक और अदर पीपल, ओके। सो वेरी देर इज अ 10-15-20 lakh rupees कैपिटल इज क्रिएटेड, देन यू आर स्पेंडिंग इन्वेस्टिंग मनी टू बिल्ड अ बिजनेस, तो उस समय समझो फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बिजनेस क्या होने वाला है, इवन दो यू हैव अ सुपीरियर प्रोडक्ट सुपीरियर सर्विसेज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज आप फेल हो सकते हैं। तो आपके लिए आगे जाके सीएफपी करने के बाद आप एक ऐसा इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं कि जहां पे जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है या ऑलरेडी अपना बिजनेस का बॉटम लाइन बढ़ाना चाहता है, क्या बढ़ाना चाहता है, टॉप लाइन की बात नहीं करते कृष्णन जी, बॉटम लाइन, ये मेरा नेक्स्ट थॉट प्रोसेस है क्योंकि मैं सीएफए कर रहा हूँ। तो काफी सारे बिजनेस आज ऐसे में स्ट्रगल कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उनको लोन दे दो, अरे लोन देने से कुछ थोड़ा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, यू आर क्रिएटिंग मोर डेट ऑन हेड ऑफ द एसएमई एंड दैट एसएमई हैज टू पे 13-14% इंटरेस्ट, ओके। तो कहीं ना कहीं वो तो रोल करने की बात कर रहे, चलो एक काम करते पुराने डेट को रोल कर दो, बाद का बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो मैसेज हम ये है कि जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो इक्विवेलेंट एप्लीकेबल इन बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग, आई कैन हेल्प स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस बाय जस्ट एंश्योरिंग द क्वालिटेटिव फाइनेंशियल प्लानिंग इन द डिसीजन। गुड, वेरी गुड। तो डेफिनेटली थैंक यू कृष्णन जी, आपने प्रकाश को सपोर्ट किया और वो सपोर्ट की वजह से ही मैनेज, क्योंकि मुझे पता है कि एक समय ऐसा आ गया था कि जहाँ पे उसका लिंक टूट गया था ना स्टार्टिंग में, क्योंकि आप ट्रेनिंग में आते थे बट यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट सफिशिएंट टाइम ड्यूरिंग द वीक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लेक कर रहे थे, बट देन यू थॉट कि कोई पार्ट टाइम मिल जाता है एंड कृष्णन जी ऑफर्ड यू दैट ऑप्शन, सो यू गॉट opportunity to implement what you are learning every day in life in classes, classroom training, video lectures, as well as you have successfully completed your 4 exams. Okay, तो बताइए कि ये 4 exams आपने जो pass किए तो उसमें क्या क्या challenges आई और वो challenges को कैसे आपने overcome किया? Actually मेरा पहला जो attempt था investment planning का वो मेरा डी ग्रेड आया था, तभी जैसे अनसक्सेसफुल था, तो उसके टाइम मुझे पता चला कि एक तो प्रैक्टिस का कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
कंसेप्ट से शायद क्योंकि क्लासरूम आपने अटेंड किया है तो कंसेप्ट शायद मालूम रहते हैं, लेकिन वो एट द टाइम वही जो टाइम फ्रेम अपन को मिला है एग्जाम का उसमें वो अप्लाई करना है और मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं तो वो सब सीरीज को क्लियर करना है, तो टाइम का प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस कितना है वो सीरीज में पता चला, और फिर भी नेक्स्ट एग्जाम से वो ये प्रैक्टिस करना ठीक से रखा तो एक एक एग्जाम करके क्लियर हो गया। लेकिन उसमें और भी एक चीज इम्पोर्टेंट थी कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो सम्स है तो वो उसको खाली अब मगअप नहीं करना है, वो मुझे कंसेप्चुअली समझ के लेना है कि उसका थॉट प्रोसेस एक क्रिएट करना है। जैसे सर बोलते हैं कि एक स्टेप्स क्रिएट करते हैं अपन, तो हर एक का थॉट प्रोसेस से स्टेप्स क्रिएट करना है, तो इजीली फिर मैं एक एक एग्जाम का वो मेरे इसमें पता चला कि जैसे डिवाइड करना है, थ्योरी का पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आफ्टर प्रैक्टिकल में जाना है, तो एक एक कंसेप्ट से फिर मैं एक एक एग्जाम क्लियर किया। बाद में तीन एग्जाम मेरा बी ग्रेड से क्लियर हुआ, सो ऐसा करके मैं अभी तक ये टैक्स प्लानिंग का लास्ट अभी मैंने क्लियर किया। वेरी गुड, तो मैसेज यही है कि मैंने देखा है कि काफी बार एक स्टूडेंट कहे वो स्टूडेंट मे बी एज ऑफ 18 का है या मे बी एज ऑफ 50 का है, वी हैव सीन दैट कि 50% सीएफपी एस्पिरेंट या प्रोफेशनल कोर्स के एस्पिरेंट ऐसा सोचते हैं कि मुझे एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, मैं उसको कर लूंगा और उसमें से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, सो वो प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं हो सकते। प्रोफेशनल कोर्सेज में मेन थॉट प्रोसेस होता है कि यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू लर्न द प्रोसेस, वंस यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस देन एनी क्वेश्चन कम्स, यू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोसेस, यू यूज दिस नॉलेज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विच इज गिवन इन योर एग्जामिनेशन। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे CAGR का, तो नॉर्मल CAGR होता तो आप कर सकते थे, बट मैंने क्या एग्जामिनर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कंसिडरिंग द ATC बेनिफिट, व्हाट इज द CAGR क्लाइंट हैज अर्न। तो कहीं ना कहीं जब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जो प्रोडक्ट्स लर्न करते हैं या जो कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के समय, इंस्टेड ऑफ जस्ट के लिंक करने की जगह पे काफी लोग लिंक कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में देखा था उसका आंसर ये था टिक कर देता हूँ, बट वो क्वेश्चन थोड़ा आपको याद होगा उस समय एग्जाम में कि ये एग्जैक्टली था ना इसका आंसर ये था, तो यू मे फाइंड 80% सेंटेंसेस और लैंग्वेज में भी सेम, बट मे बी 10-20% डेविएशन, एंड इफ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट यू फोकस ऑन लिंकिंग दैट क्वेश्चन विद सम क्वेश्चन यू सॉल्व्ड इन पास्ट, चांसेस है कि आपके मार्क्स चले जाएंगे। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच प्रकाश। आपने वही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कि एक कमिटमेंट वर्सेस दी यू कैन से एक्साइटमेंट, कि कमिटेड पीपल अचीव देयर गोल, एंड एक्साइटमेंट में क्या हो जाता है व्यक्ति आगे बढ़ जाता है बट मिडवे कहीं पे घूम जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव वन पार्टिसिपेंट, okay, will not name, he was with our 83 batch participant, but unfortunately midway he decided to pursue different interest, okay, and then after completing 3 exams he is not giving exam, but even though you were late starting the first exam and completing the first exam in 5 group of 5 people, but you have successfully completed 4 examination, now you will complete by March end 5th exam, so wish you all the best for the good preparation for the exam 5. Already we have discussed what we have to do in next 40-45 days, so I request you and Krishnanji to invest average 4-5 hours per day, okay, meet once in a week and ensure that ki you achieve the required domain expertise, so I am sure that exam 5 will be also cakewalk. So thank you very much for coming and sharing your valuable insight.